औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल शिफा होम्यो क्लिनिक और मैं हूं डॉक्टर सफदर हुसैन खिची। आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के साथ हाजिर हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीकॉड, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो औरतों में एक कॉमन हालत में पाई जाती है। ये 12 साल से 45 साल की उम्र में औरतों में आती है। इसकी जो आम सिम्टम है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये 5% से 10% औरतों में ये बीमारी मुतासर होती है, औरतों को 5 से 10% औरतों को मुतासर करती है। इस तरह ये आम तौर पर ख्वातीन की रिप्रोडक्टिव एज में मुतासर होती है, और इसमें जो सिम्टम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इररेगुलर मेंसेस प्रॉब्लम या मिस मेंसेस, ये बड़ी अलामत में से है। एक्नी प्रॉब्लम्स, फीलिंग फैटिग, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, स्किन डिसकलरेशन, हेयर ट्रिमलिंग, मूड स्विंग, ओवरी सिस्ट, ऑब्जेटी, एबनॉर्मल फीलिंग या एबनॉर्मल फेशियल हेयर, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पीकॉड। ये हमने आम और तकरीबन जो इस मर्ज में फीमेल मुब्तला होती हैं, ये जो अलामात हैं ये तकरीबन औरतों में मिलती हैं। तो इससे जो पेचीदगियाँ बढ़ती हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस की है। मेन सिम्टम जो है वो इनफर्टिलिटी है। जब ये पेचीदगियाँ बढ़ती हैं तो बांझपन का मसला दरपेश आता है। अमूमन ये बच्चों के बाद भी मसला दरपेश आ सकता है। तो हमने जो डिस्कस किए हैं ये मेन पॉइंट्स पे फोकस किया है। इनके अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए टेलीफोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर पे राबता करके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जारी कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको कामयाब ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मेंसेस प्रॉब्लम, करंट इशू पे फोकस किया जाएगा। तो नाज़रीन, होम्योपैथिक अपने नस्ल दर नस्ल सेहत पाएँ।